हेलो एवरीवन, दिस इज नितेश एंड यू वाचिंग टेक्नो बकेट। सो आज का एपिसोड थोड़ा सा स्पेशल होगा बिकॉज इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि अगर आप पीसी पर वेब सीरीज एंजॉय करना चाहते हो, पेड वेब सीरीज एंजॉय करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो, अदरवाइज कोई भी वेब सीरीज देखना चाहते हो तो वो कैसे होती है। तो उसके लिए आपके लिए ये वीडियो है, क्योंकि मोस्टली वीडियोस आपने देखी होगी जो यूट्यूब पर भी आपको मिलेंगी वो सभी हैं वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए हैं, पर एंड्रॉयड पर भी आप इतनी लंबी देर तक कोई वेब सीरीज या फिर मूवीज नहीं देख सकते। तो इसलिए इस वीडियो का मकसद ये था कि आप लोगों को बताया जाए कि आप पीसी पर भी उन सभी चीज़ों को इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर मैं नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और अर्ट बालाजी, अमेजोन प्राइम को इंक्लूड नहीं करूँगा बिकॉज वो ऑलरेडी पेड है और आपको पता होगा वो लैपटॉप या पीसी पर आसानी से चल जाती हैं। मैं यहाँ पर इंक्लूड उनको करूँगा जो सिर्फ आपके फ़ोन में चलती थी बट आपको पता नहीं होगा शायद वो आपके पीसी के लिए भी अवेलेबल है, और वहाँ पर भी आप पेड वेब सीरीज़ को फ्री में या फिर वेब सीरीज़ को फ्री में चेक कर सकते हो। तो बिना टाइम को हम अपने पीसी स्क्रीन पर चलते हैं। तो गाइस, जैसे ही हम अपनी पीसी स्क्रीन पर आते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पर सामने देख रहे होगे कि यहाँ पर आप, मैंने सबसे पहले YouTube ओपन करके रखी हुई है। YouTube का मतलब क्या है कि आप YouTube पर भी वेब सीरीज़ को वॉच कर सकते हो। आप कोई भी वेब सीरीज़ यहाँ पर टाइप कर दोगे तो आपको वो देखने को मिल जाएगी। YouTube में काफ़ी ज़्यादा वेब सीरीज़ आपको देखने मिलेंगी अगर मैं कंपेयर करूँ सभी प्लेटफॉर्म से। तो मूवीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, वेब सीरीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। तो सबसे पहले अगर मैं प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो वो YouTube है, क्योंकि YouTube पर आपको काफ़ी सारी वेब सीरीज़ देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर वो वेब सीरीज़ होंगी जो पेड भी हो सकती हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकती हैं, किसी चैनल की और भी आ सकते हैं या फिर कोई लोग अपने आप से ही अपलोड कर देते हैं। मूवीज़ भी काफ़ी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, बस फ़र्क यह है कि आपको ढूंढनी पड़ेगी यहाँ पर वेब सीरीज़, क्योंकि बहुत सारी वेब सीरीज़ होती हैं उनमें से कुछ क्लिप काटे हुए होते हैं या फिर पूरी वेब सीरीज़ आपको ढूंढनी पड़ती है। बट ये एकदम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट सोर्स है और काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेबल सोर्स है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर आप वेब सीरीज़ देखना चाहते हो तो आप YouTube.com को यूज़ कर सकते हो, पीसी में आसानी से चल जाती है। तो सेकंड स्टेप के और आते हैं। जो नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है वो आती है TVF। TVF में आपको काफ़ी सारी एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगी। TVF में आपको काफ़ी सारी जो वेब सीरीज़ है वो देखने को मिल जाएंगी। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेब सीरीज़ जो अवेलेबल है, आप चैनल्स को क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर आपको ये चैनल दिखा देंगे कि ये सभी चैनल TVF के अंडर आते हैं, और तो और यहाँ पर आपको वेब सीरीज़ भी मिल जाएंगी देखने के लिए। यहाँ पर जो है वो ओरिजिनल यहाँ पर है, जैसे कि क्यूबिकल्स है, मिस्टर मिसिस है, ऑकवर्ड कन्वर्सेशन है, फादर्स है, फ्लेम है, ये सारी ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। वैसे तो ये यूट्यूब पर अवेलेबल है बट इनमें से कुछ एपिसोड यहाँ पर ही अवेलेबल है, तो आपको TVF डाउनलोड करना पड़ता है। तो आप पीसी में भी इन सभी कंटेंट को इंजॉय कर सकते हो, और काफ़ी बढ़िया ढंग से वेबसाइट या फिर जो एप्लीकेशन डेवलप हुई है वो काम करती है। अभी हम जो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं वो है MX प्लेयर। MX प्लेयर को आपने अपने फ़ोन में तो यूज इंस्टॉल किया होगा बट आपने अपने पीसी में कभी इसको प्ले भी नहीं किया होगा। आपको mxplayer.in टाइप करना है और ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर बहुत सारी मूवीज़, वेब सीरीज, पेड और फ्री सब कुछ मिल जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर वेब शोज़ पर क्लिक कर देता हूँ। वेब शो पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि सभी वेबसाइट सिमिलर वैसे ही दिखाई देती है और आपको पीसी के वर्जन में दिखाई देंगी। तो एक काफ़ी बढ़िया बात हो जाती है कि आपको सभी वेब सीरीज जो है वो पीसी में दिखाई दे रही हैं, और आप यहाँ पर अपने लैपटॉप या पीसी पर बैक इजीली इंजॉय कर सकते हो इनको। हाँ, यहाँ पर आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकते बिकॉज इसमें डाउनलोडिंग का ऑप्शन नहीं दिया जाता है पीसी में, बट आप इंजॉय कर सकते हो। अगर आपके पास इंटरनेट काफ़ी बढ़िया है तो आप यहाँ पर लाइव देख सकते हो इन वेब सीरीज़ या फिर मूवीज़ को। मूवीज़ की कैटेगरी में जाते हैं तो मूवीज़ जो नॉर्मल आपको देखने को मिलती हैं वही सभी मूवीज़ यहाँ पर जो ऐप में होगी वही सभी यहाँ पर मूवीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। चलो अभी हम नेक्स्ट एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट वेबसाइट जो है उसका नाम है moviefoundonline.com। moviefoundonline.com एक ऐसी है, यहाँ पर आपको इंग्लिश या फिर डॉक्यूमेंट्री ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर आप इंग्लिश मूवीज़ के लवर हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारी वेब सीरीज या फिर डॉक्यूमेंट्री शोज़ देखने को मिल जाएंगे, आप यहाँ से इंजॉय कर सकते हो उनको। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यहाँ से आप इसको किसी भी में क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि मान लो अमेजोन एम्पायर, तो यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा तो वे वेबसाइट ओपन होएगी, वेबसाइट मीन्स की वो एक सीरीज़ ओपन होगी, तो आप यहाँ से उसको वॉच कर सकते हो ईजिली। अभी ये लास्ट है वो है टेलीग्राम। आप कहेंगे टेलीग्राम तो हम फ़ोन में भी चेक कर लेते हैं, तो टेलीग्राम भाई पीसी के लिए भी अवेलेबल है। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो लिखा है टेलीग्राम फ्रॉम पीसी मैक एंड लिनक्स। यहाँ से आप कोई भी वेब सीरीज़ को लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। आपके फ़ोन में जो टेलीग्राम है डिटो यहाँ पर चलेगा और काफ़ी बढ़िया चलता है, और काफ़ी मैं मोस्टली यहाँ पर ही टेलीग्राम को यूज़ करता हूँ। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम को यहाँ से यूज़ नहीं किया है तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। तो गाइस, अभी बात कर लेते हैं मैंने
कुछ वेब सीरीज या फिर कुछ वेबसाइट्स को ऐसे इंक्लूड नहीं किया हुआ है। वो क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे को वो ट्रस्टेबल नहीं लगी, या फिर मैं कह दूँ कि वो ऐसी वेबसाइट थी जिस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। वहाँ पर कैचे या फिर आपका जो पर्सनल डाटा वो काफ़ी ज़्यादा चोरी होने का डर रहता है। जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है जो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेबल है, आपने भी खुद ने इन वेबसाइट पर कभी ना कभी तो यूज़ किया होगा, तो इन वेबसाइट से आप वेब सीरीज को देख सकते हो। और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।